मोरी मैया। गांव में यहाँ पर प्रैक्टिस होता था तो हम आते थे देखने, तो बोले चाचा खेलोगे? हाँ बोले हाँ खेलेंगे। बोले ठीक है आओ। आए तो अविनाश सर जो हमारे हैं वो प्रैक्टिस करवाते थे, उसके बाद से हमें अच्छा लगा खो खो, तो हम खेलना स्टार्ट कर दिए। सर क्रिकेट हम लोग पहले खेलते थे लेकिन उतना हम लोग को गाइडलाइन नहीं मिलता था सर। लेकिन हम लोग जैसे इधर गाँव में मतलब बच्चे घूमते रहते हैं, कोई काम अच्छा मतलब गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, तो जो हमारे अविनाश सर कोच हैं वो आए अपना पढ़ाई पूरा करके ग्वालियर से बीपीएड कंप्लीट करके, तो वो देखे कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको गाइडलाइन दिया जाए, तो उनके बदौलत उन्होंने गाइडलाइन किया, हम लोग को अच्छे लेवल पे गए और जो भी हम लोग का पढ़ाई का लेवल रहा, एजुकेशन लेवल रहा, सब इन्हीं की बदौलत है सर। हमारी ये बच्ची है जब हमें खेलने भेजा उसके पहले बार बार तबीयत खराब होता था, हमने डांट के कहा जाओ वहाँ बच्चे खेल रहे हैं तुम जाओ खेलने। जब से यहाँ खेलने आई तब से इसकी बीमारी ही भाग गया। कि इस गांव को परिवर्तन करने वाले अगर कोई शख्स है तो भैया ही है, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनाना इन्होंने ही सिखाया और हम आज जो भी ये कर रहे हैं मात्र उन्हीं की मोटिवेशन से। वो मुझे एक बात कहते थे कि जो भी आप सीखो आप वो दूसरे को दो। क्लास 3 में या 4 में बच्चे जाते थे तो उनको मैं बताता था कि नवोदय विद्यालय में ये सुविधा मिलती है, ऐसे खेलने का मौका मिलता है, ऐसे पढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ जाएंगे तो आपको साइकिल चला करके कहीं दूर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो उनके मन में एक जागरूकता पैदा होती थी। फिर मैं सुबह या शाम जैसे मुझे समय मिलता था उन बच्चों को गाइड देता था, उनका फार्म भरवाता था, उनको गाइडलाइन देता था, हौसला भरता था और बच्चे परीक्षा पास करते हैं। बंधु सिंह के इतिहास को गायब कर दिया गया था, वो तो हमारे यहाँ भी एक वीर पुरुष पैदा हुए बाबू विनय विनय कुमार सिंह बिन्नू, हमारे चचेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके विदेश से फोटो मंगवाया, लड़ाई लड़के उनकी मूर्ति लगवाए, अब महाराज जी योगी जी महाराज जी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो 5वीं के पाठ्यक्रम में बंधु सिंह को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र जवार में बंधु सिंह के नाम पे हम लोग जाते हैं तो बहुत इज्जत मिलती है। पैसा रुपया तो नहीं है जमीन जायदाद, लेकिन इज्जत बहुत मिलती है कि हम बंधु सिंह परिवार के हैं, तो इस क्षेत्र जवार में बहुत इज्जत सम्मान मिलता है हम लोगों को। अभी उनका जो बड़ी मकान थी भाई राजा लोगों की बड़ी मकान होती थी, तो उनका दरवाजे का कुआं और आंगन का कुआं, उनकी खिड़की का कुआं, ये सब मतलब हम लोग अभी देखे हैं और है भी, लेकिन उसको हम लोग देखे हैं, लोग बताते हैं कि ये उनके ये खिड़की का कुआं है, आंगन का कुआं है, ये जो है एक दरवाजे का कुआं है और एक जगह है जो मतलब वो भी सब ध्वस्त था, वहाँ पर कोट लगता था उनको, मतलब उस समय कोट लगता था, उसको कोट कोट कहा जाता है, तो उस पर भी लोग अपना घर द्वार बना लिए गाँव के लोग, धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ी उस पर भी लोग बना लिए, लेकिन उसको लोग कोट कहते थे, ये कोट की जमीन है और वो कोर्ट की जमीन ऊंचा था, मतलब अभी भी जमीन हम लोग देखे तो जमीन ऊंचा था, मतलब और जमीन से थोड़ा ऊंचा वो जमीन था।